हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो कुछ नोटिफिकेशन निकले हैं एसएससी की तरफ से, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप नोटिफिकेशन से अपडेट रहें, यानी कि एसएससी की वेबसाइट रेगुलर चेक करते रहें। तो सबसे पहली जो बात जो इस वीडियो में बताना चाहते हैं वो ये है कि जिन भी लोगों का 2019 के लिए सिलेक्शन हुआ था एसएससी स्टेनो ग्रेड सी और डी के लिए, उनका जो भी डिपार्टमेंट है वो उसको रेगुलर चेक करते रहें, ठीक है। क्योंकि ये अलग से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, जैसे कि जो भी सीबीडीटी में सिलेक्ट हुए थे, यानी कि इनकम टैक्स जिन जिन भी स्टेनोग्राफर को मिला है ना, तो अभी कुछ दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले एलोकेशन पता चल गई है कि किसकी ज्वाइनिंग कहाँ पे होगी। जैसे कि मुझे भोपाल मिला है, तो आप में से अगर किसी को भोपाल मिला हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ठीक है। क्योंकि सून हम लोग सेम डिपार्टमेंट का हिस्सा होने वाले हैं, ठीक है। तो आप जिन लोगों को पोस्टल डिपार्टमेंट मिला है वो पोस्टल डिपार्टमेंट की वेबसाइट चेक करते रहें, ठीक है। तो अपडेट रहें आप लोग। दूसरी चीज़ उन लोगों के लिए जिन्होंने 2020 का स्किल टेस्ट दिया हुआ था। आप सबको पता है 2020 का स्किल टेस्ट हो चुका है, उसका रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन इस बार एक चीज़ बहुत अजीब हो रही है कि पहले पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आए, ठीक है। अब लोगों को पता नहीं है उनका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, अब वो डाउनलोड करें कि नहीं करें। इसके बाद क्या हुआ, अभी वो डीवी की डेट आ गई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी 2020, उनकी डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ गई है 29 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर के बीच में, मतलब इन्हीं दिनों, किसी का कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो अब भी रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है। तो ये थोड़ा अजीब लगता है कि पहले रिजल्ट दे दें, फिर पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म, और ये डीवी की डेट दे दें। तो चलिए, इसका मतलब है कि कंफर्म कह सकते हैं कि 3 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आने वाला है। क्योंकि आज 20 है, ठीक है, 29 से डीवी स्टार्ट है, ज़्यादा टाइम नहीं है, 8 डेज का गैप है, ठीक है। तो रिज़ल्ट आपका आने वाला है 2 से 3 दिन के बीच में। तो जिनका स्किल टेस्ट अच्छा गया है, जिनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है कि हाँ वो क्वालिफाई करेंगे इसमें, वो अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखें, ठीक है, ख़राब ना होने दें उनको। और जो सर्टिफिकेट है SC ST OBC EWS, वो सारा एक बार अच्छे से देख लें, ठीक है। और इन केस अगर किसी की जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, क्योंकि जनरल का नहीं लगता, उनको तो टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन किसी को नहीं लेनी है, EWS SC ST एंड OBC, इनका जो सर्टिफिकेट है, इन केस अगर उनके सर्टिफिकेट में कोई मिस्टेक होती है थोड़ी बहुत, तो उनको टाइम दिया जाता है, ठीक है। और अगर उनके पास वो टाइम नहीं, मतलब 3 या 4 दिन के अंदर जितना भी टाइम दिया जाए वो नहीं ले वो करेक्ट करवा पाते हैं, या फिर उनके पास वो सर्टिफिकेट जो होता है वो वैलिड नहीं होगा, तो वो जनरल कैटेगरी में डाल दिए जाएंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आपका EWS या OBC सर्टिफिकेट में कोई मिस्टेक हो जो नहीं सुधर सकती, ठीक है, जिसमें टाइम लगेगा, जिसके लिए वो टाइम नहीं दे रहे हैं, ठीक है, विभाग वाले, तो ऐसा नहीं है कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको जनरल कैटेगरी में वो डाल देंगे, फिर आपका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी के कट ऑफ के हिसाब से होगा, ठीक है। तो आप सब वेट कर रहे होंगे, मुझे पता है, ठीक है। जैसे मुझे भी लगता था कि जल्दी से लिस्ट आए, ठीक है, तो इस बार भी मुझे वेट है। तो ये तो 2020 वालों के लिए हो गया, ठीक है। और जो 2022 का जिसने फॉर्म भरा है, मतलब 2021 की वैकेंसी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी करते रहें, ठीक है। आपके पास अभी सितंबर के कुछ डेज हैं, देन अक्टूबर, नवंबर स्टार्टिंग में नहीं होगा, 15 के बाद ही होना चाहिए। तो आप सब मेहनत करते रहें, बढ़िया से तैयारी करें, और आप भी SSC स्टेनोग्राफर में सेलेक्ट हों। बस इतना ही कहना था, ठीक है। तो SSC की वेबसाइट आप रेगुलर चेक करें, पता नहीं कब कौन सी इन्फॉर्मेशन आ जाए, आप 2-3 दिन बाद देखेंगे तब तक डिले हो जाएगा। और पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म बहुत अच्छे से भरें, कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप बाकी यूट्यूबर्स जो हैं, आपके सीनियर स्टेनोग्राफर हैं, उनसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या ठीक है मुझसे अगर होगा कुछ, मैं, ठीक है, तो मैं भी आपको बताने के लिए तैयार हूँ। चलिए, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।